चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अपर्णा और आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये कलरफुल जूट मैट्स। इनको बनाने के लिए ब्लैंक मैट्स को मैंने कैनवस टू क्राफ्ट से लिया है। अगर आप भी ऐसे जूट मैट्स बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, आप वहाँ से जाकर ये मैट्स खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले मैं अपने ब्लैंक मैट्स पर पेंसिल से एक डिज़ाइन मार्क कर लूँगी ताकि पेंटिंग करने में मुझे आसानी रहे। मैंने यहाँ पर बहुत ही आसानी से बनने वाला एक डिज़ाइन चूज़ किया है। पैटर्न फ्लोरल है और बनने के बाद ये आपने देखा ही है कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर फूलों और उसके बाद कुछ पेटल्स के साथ मैंने इस डिज़ाइन को कम्प्लीट कर लिया है और अब हम इसके बाद फैब्रिक कलर्स के साथ अपने डिज़ाइन को कम्प्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं ब्लैक कलर को चूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे ब्लैक कलर लगाना है मैं वहाँ वहाँ भी ब्लैक कलर का काम कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद इस मैट को ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी और दूसरे मैट पर काम करूँगी। इस तरह से दोनों मैट एक साथ तैयार होंगे। एक्रेलिक कलर के कंपैरिजन में हमारे फैब्रिक कलर जो हैं वो थोड़े पतले होते हैं, यानी कि थिन होते हैं कंसिस्टेंसी में, और इसलिए उनकी जो वो सूखते जल्दी हैं और फैब्रिक के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं, वॉश करने पर हटते नहीं हैं। वैसे तो एक्रिलिक कलर भी वॉश करने पर नहीं मिटते हैं। पिगमेंटेशन अगर देखी जाए तो फैब्रिक पे जो हमारे फैब्रिक कलर्स होते हैं उनकी ज़्यादा अच्छी आती है। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने स्टेम्स को कुछ ज़्यादा ही मोटा कलर से फिल कर दिया है। उसकी वजह ये है कि मुझे इन स्टेम्स पर भी बाद में पैटर्न्स बनाने हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा थिक रखा है। डिज़ाइन कंप्लीट होते होते कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद मैंने कुछ फ्लावर पेटल्स बनाई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रिल है तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर इन पेटल्स को हाफ हाफ बनाया है और फिर इसको देखेंगे मैं किस तरीके से कलर करती हूँ। और कलर करने के साथ साथ इन पेटल्स को एक डिफरेंट सी और बहुत ही सुंदर शेप मिलेगी। लीव्स के लिए मैंने ये पैटर्न चुना है। आप चाहें तो दूसरी नुकीली तरह की पत्तियाँ भी बना सकते हैं। दूसरे जूट मैट में मैंने उसी तरह की पेटल्स को चूज़ किया है और अब मैं इन जो हमने फ्लावर पेटल्स बनाई हैं उनको एक बार और शेप देते हुए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। फ्लावर्स में कलर करने के लिए मैंने तीन डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं, मैजेंटा, येलो एंड ऑरेंज। पहले मैंने एक लीफ में कलर फिल करने के बाद दूसरी में कचनी स्टाइल में कलर किया था, लेकिन वो बाद में मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको एक डिफरेंट कलर के साथ, ऑरेंज कलर के साथ फिल कर दिया है। आगे आप देखेंगे। लीव्स को मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से फिल किया है। आप देखें ये वाला ग्रीन कलर, आप चाहें तो कोई और ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन या सैप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस कलर को का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा सुंदर आता है। इसके बाद हम अब देखिए आप यहाँ पर मैंने जो कचनी स्टाइल में पहले पेटल्स में कलर किया था, जो पैटर्न बनाया था उसको मैंने ऑरेंज कलर से फिल कर दिया है। अगर आप अपनी पेंटिंग में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो पहले एक बारी जो आपने पहले कलर किया है उसको अच्छे से ड्राई होने दें, उसके बाद आप दूसरा कलर लगाएंगे तो आराम से कर पाएंगे। और यहाँ पर मैंने जो पेटल्स बनाई थी बॉर्डर पे फ्रिल के ऊपर, उस पर मैंने अपने पैटर्न बनाने शुरू कर दिए हैं और इस तरह से ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाद में इसको नीचे से भी मैं ब्लैक आउटलाइन दे दूँगी ताकि ये और सुंदर दिखे। आउटलाइन के साथ मैंने ब्राउन कलर दिया है और इस पर भी हम मधुबनी की तरह के कुछ पैटर्न्स बनाएंगे। एक जूट पैट को मैंने बॉर्डर पर ब्लू कलर दिया है और दूसरे पे सैप ग्रीन कलर। देखिए कितना आसान और कितना सुंदर डिज़ाइन है ये, बनते बनते ये कितना खूबसूरत निकलता जा रहा है। मैंने यहाँ पर लेमन येलो कलर से कुछ पैटर्न्स कुछ डिटेलिंग की है। डिटेलिंग करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे ये ऑप्शनल है। एकदम बिगनर फ्रेंडली डिज़ाइन है ये, कोई भी बना सकता है। और एक साथ दोनों हमारे मैट्स जो हैं वो तैयार होते जा रहे हैं। एक बार ही जब ये ड्राई हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर वाइट कलर से भी कुछ पैटर्न बनाऊंगी। अभी तक आप वीडियो में बने हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा।
अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जो इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आर्ट और क्राफ्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। स्टेम्स पे ब्लैक कलर बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो मैं इस पे येलो कलर के कुछ डॉट्स बना रही हूँ। ये ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत सुंदर लगेगा। इसके बाद इसी येलो कलर से मैं कुछ और पैटर्न भी दे दूँगी ब्लैक कलर से, कुछ और डिटेलिंग करते हुए। नीचे जो हमने ये पेटल्स बनाई थी इनको कंप्लीट कर रहे हैं। ये ओवरलैपिंग पेटल्स का जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रिल और जो हमारा मेन जूट मैट है उसके बीच में जो स्टिचिंग है वहाँ पर मैंने ट्रायंगल का डिज़ाइन बनाया है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। हमारा पूरा पेंट अच्छे से सूख चुका है तो एक बार हम इसको टचअप कर देंगे। जितने भी हमने जहाँ ब्लैक आउटलाइन की थी उसको एक बार फिर से मैंने आउटलाइन दे दी है और यहाँ पर वाइट हाइलाइटर से मैंने कुछ डॉट्स के पैटर्न बनाए हैं। ये भी ऑप्शनल है लेकिन देखिए वाइट डॉट्स आते ही हमारा डिज़ाइन कितना इन्हेंस हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न सिर्फ जूट पर बनेगा, आप किसी भी कपड़े पर या पेपर पर ये डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन ये जो पेटल्स का डिज़ाइन है जो फ्रिल के साथ आया है ये इस जूट फैब्रिक के साथ बहुत ही अच्छा जा रहा है। ये जूट मैट्स इतने सुंदर हैं कि आप इन्हें बनाकर खुद अपने पास ही रखना चाहेंगे, नहीं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है गिफ्ट देने के लिए या रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी को अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।